हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। भाव नहीं हो गए, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए, हेल्थी हो गए, सेफ हो गए। आज मैं खुश दिख रही हूँ ना, क्योंकि कल हम रात को मार्केट गए थे ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ लिए इसने तो मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए पड़ेगी ना। तो अभी आज छुट्टी है, आज छुट्टी है और ये जा रहे हैं अभी ड्यूटी एक घंटे के लिए सिर्फ। सुबह जाना होता है ना, इसलिए एक घंटे में आ जाओगे ना? फिर फोन ऑन करना बाबू, 2 घंटे लगेंगे। नहीं आते ही क्या, आते ही बताया यार। अब वो बता देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ? मत पकड़ो, मत पकड़ो। अरे वो देख रहा था बाबू, लोग कहेंगे हर व्लॉग में ऐसा सीन जरूर दिखता है एक बार, ऐसे वाला और ऐसे वाला। मॉइस्चराइजर लगा लो, वाइट वाइट हो रहा है। मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। आता हूँ जल्दी, जैसे जा रहे हैं एक घंटे के लिए, तब तक मैं करके रखती हूँ कुछ काम वाम। मठा ले आना छवि बनाने के लिए। कहाँ जाना है वो भाभी देखो। तो मैं खाना बना के ना रखूँ? ठीक है। तो आज हमें गाइस फर्नीचर के लिए जाना है, क्योंकि अभी हमारे पास आपको पता है ना अलमारी और फ्रिज नहीं है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ तो जरूर लेनी है, क्योंकि फ्रिज खाना वाना कुछ भी बस तो खाना बचता नहीं हमारा, कुछ ही बचता है, इतना सा बचेगा अगर बचेगा तो फ्रिज में लगाने के लिए। और क्या लोगे? कूलर भी लेंगे, ये मेरे लिए मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। ध्यान से जाना। क्यों डिग्गी में नहीं रखा था? आराम से चलाना। बाय बाय बाय। चलो भाई बाहर से दिखाते हैं। यार मेरे को वॉशरूम जाना है, इनकी वजह से मैं देर हो रही है, मेरे को देर लगती है ना, मैं फोन चलाती हूँ अंदर। तो अब मैंने सोचा ये जाएंगे तभी मैं जाऊँगी। फिर अभी पीटी की ड्रेस पहन के जा रहे हैं। आगे देखो, मैं आती जरा मुँह हाथ धो के नहा के फ्रेश होके, ठीक है, बाद में मिलती हूँ आपको। आते गाएगा घूमने जाएंगे। डिंगलक कलक डिंग डिंगलक कलक डिंग, घूमने जाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। ये आ गए हैं, डिंटला डिंटला। 9 बजे बोल के 10 बजे आया। हाँ 10 बजे आए, मगर कोई नहीं, मैं तो थोड़ी देर आराम कर लिया कोई नहीं, फोन ही चलाती वैसे, इसीलिए मेरे को डांटनी पड़ी। मैं कभी नहीं जाती, कब डांटा। और गाइस पता है अभी ना हम लोग काम वाम कर रहे हैं, नहीं क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं। आना, मैंने किचन में झाड़ू नहीं लगाया। नींद लग रही तो सो जाओ बाबू, कोई बात नहीं। नहीं खाना बनाना है, छोड़ो खाना यार, चुप रहो, बाद में खा लेंगे। नहीं तो गाइस आराम कर लो। आपको मैं एक बात बताती हूँ। दो बताओ। जब घर में कोई आने वाला होता है ना, कोई भी एनीबॉडी कोई भी आने वाला होता है, जैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, आपको पता ही है घर में अपने पति के साथ रहना है तो मजे से रहो, जैसे मैं तो मैं से बोलती हूँ, जैसे कोई भी आने वाला होता है कभी कोई, मतलब इधर उधर से या फिर कुछ सामान वन के, मैं बोलती हूँ चेंज कर लूँ कपड़े, तो बोलते क्यों क्यों करना है चेंज, तुम्हें जैसे रहना तुम वैसे रहो। बताओ बाबू तुम क्या कहते हो? वो सही बात है भाई, क्या कपड़े में क्या दिक्कत है? सोच खराब होती है ये बोलते हैं, लोगों की सोच खराब होती है। मेरे को लोगों की सोच से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी बीवी से मतलब, वो कुछ भी पहने कुछ भी करे, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसे बोलते हैं यार। बहुत कम लड़कों की सोच होती है ऐसी, मगर मेरे हिसाब से सबकी होनी चाहिए, और हमें उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, गलत फ़ायदा, हमें उसको एक अपने उसमें रहना चाहिए, हाँ लिमिट में, कि ठीक है अगर मेरे पति ने मुझे कोई छूट दे रखी है, हर चीज़ दे रखी है, तो मैं उसका अच्छे से वो करूँ, पालन क्या बोल रही हूँ मैं, पालन मतलब अच्छे से पालन करूँ। अभी ये चले गए हैं सर, जो भैया आने वाले हैं उनका सामान वान रखवाने के लिए, क्योंकि उनका आ गए, देखो कितनी लंबी में आई नीचे को दे दो, पंखा लेके जा रहा हूँ। ठीक है चलो मैं खाना बना रही, बाय। हेलो हेलो, गर्लफ्रेंड का फोन आया ना? नहीं मतलब गर्लफ्रेंड है नहीं, तुम हो।
सामान वामान इधर कर रहे हैं अभी, उनके हेल्प करा रहे हैं, तो मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ। हाँ जी काहे किन को बाबू मगर फोटो तो है नहीं मेरे पास, नीचे है ठीक है। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और क्या नाम है, वैसे तो आपको पता ही है ना मेरे ससुराल में कढ़ी सिर्फ मम्मी बनाती थी, क्योंकि रोजी को मम्मी के हाथ की पसंद थी। मुझे तो खैर कढ़ी पसंद है ही नहीं, मैं कढ़ी खाती नहीं, मगर खा भी लेती हूँ कभी कभी, मगर इनको पसंद है तो इनके लिए तो मुझे हर चीज़ बनानी पड़ेगी और खानी भी पड़ेगी। मैं नहीं खाऊंगी तो ये खाएंगे ही नहीं, इसलिए। वैसे मुझे कढ़ी पसंद है मगर बिना बेसन की और बिना आटे की, जैसे खाली मट्ठे की जो बनती है ना मेरे को वो पसंद है। मगर हमारे ससुराल में बनती थी आटे वाली, मेरे मायके में बनती थी बेसन वाली, ससुराल में बेसन वाली भी कभी कभी बन जाती है। एक मिनट, अब आप पूछोगे बहुत सारे कि ये प्याज किस में चॉप करते हैं, चॉपर है और इसमें ना बहुत अच्छा चॉप होता है एकदम फाइन छोटा छोटा। देखो मेरे से YouTube पे कमेंट करके बोला था ना कि आप खाने की वीडियो डालना करके, उन्हें शक हो रहा होगा ना शायद कि मैं खाना नहीं बनाती। चलो बनाती हूँ। ये जीरा है, जय हींग है, हींग मुझे बहुत पसंद है खाने में, और लहसुन। कार्ड मांग रहे हैं मेरा, वो रेंट एग्रीमेंट के लिए देना है ना। देखो मेरा कितना प्यारा पर्स है ना, ये मैं वहीं से लाई थी। अच्छा अभी इसका मैंने ब्लॉग डाला नहीं, डालूंगी है ना। दो बार मेरी गैस बंद हो गई है यहाँ पर चूल्हे पे। गैस अभी भैया आए थे वो सामान लेने के लिए, तो वो ले गए अपने सामान। चलो फिर बढ़ाते हैं। चार जूते पहन के क्यों आए हो अंदर? अच्छा काहे भूल गया। क्या भूल गए? कि यहाँ एक राक्षस नहीं भी रहती है? नहीं। जो लड़ाई झगड़ा करेगी? नहीं। फिर ये फोटो तुम्हारे पास अपनी नहीं है? अपनी कुछ नहीं यार, हम दोनों की दे दो साथ वाली सिंगल वाली। तो इसमें से बीच में से काट लो ना।
काट दो उसको। एक वाली देता हूँ दोनों को। हाँ दोनों को क्या प्रूफ भी तो होना चाहिए, हम शादीशुदा हैं। तुमने सारे प्रूफ रख रखे हैं यार हमारे शादीशुदा के, मैं जा भी नहीं सकती कहीं। वो भी बना रखा है मेरे सर्टिफिकेट, गवाह भी लगे हैं उसमें। कौन कौन? मोहन चाचा, मोहन चाचा, धीरज गवाह। मैं फोटो क्या था उनका, उनका गद्दा भी रखा है। मेरा सिंदूर देखो, पहले मैं कैसी थी देखना, बड़ा बड़ा बिंदा लगा के रखती थी। ठीक है, तुम तो मेरे पे ध्यान देते भी नहीं थे पहले। चुप रहो, हाथ उठाया ना। अब मैं आपको मारने के लिए गया, तुमने हाथ उठाया मेरे पे भी। ऐसे क्या बोलते ना, तुम पे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तुम पे थोड़ी उठा, किसी बात कर रहे यार। हट जाओ यहां से। नहीं उठा, नहीं उठा। चुच्ची दाढ़ी, हां दाढ़ी से बात की। नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक है। खाना खा के जाओ पहले। तो गाइस अभी मैं आ गया सारा सामान वामान लेके, जो साथ वाले भी सर थे वो भी शिफ्ट कर दे दो, उनका भी सामान छोड़ना, तो उनका सामान छोड़ दिया। अभी घर पे आ गया, अभी सोच रहे थे, पहले हम सोच रहे थे कि आज फर्नीचर की मार्केट पे जाएंगे एक जगह सेकेंड हैंड मिलते हैं। और अभी मस्त खाना आ गया है मेरे घर का, कढ़ी चावल बनाया आज, कढ़ी चावल बाहर से छाछ लेके आया था मैं, और कढ़ी बना रही है आज मेरी बीवी ने। और ये आ गई मेरी प्यारी सी बीवी खाना लेके। बताओ ना, देखो ये कटोरे में अलग दाल आई है। दाल नहीं, वो जोई है, जोई बनाई है, कड़ी, कड़ी बनाई है। चलो आओ, खा लिया था, खुद खा लिया। ठीक है, लक लक लक। अरे तुम खाने वाले थे, खा जाओ मेरी कसम, तुम अपने मुंह में डाल देते। कसम खाओ, मैं बना रहा था अपने मुंह में, खाना चाह रहा था सही, तुम्हारी कसम। बाबू क्या मैं ऐसा कर रहा था, फिर मैं फिर तुम्हें याद आ गया? नहीं, मैं ऐसा कर रहा था कि तुमको देखो कि क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। नहीं बाबू, मगर मैं नहीं खाऊंगी, मैं घी वाला नहीं खाऊंगी बाबू, मैं घी वाला नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगी यार, ऐसे कुछ नहीं होता बाबू, अच्छा होता है। मैं इसलिए कह रहा था कि तुम देख लो क्या क्यों देखोगे। वो इन्हें ना बहुत अच्छा लगा खाना, है ना, दूसरी बार भी गए लेने के लिए, भी आ रहे, रुको दिखाते हो। मेरा तो खत्म होने वाला है, थोड़े से गिर भी गया, अभी प्लेट में उठा के रखूंगी, जब खा लूंगी ना इसमें फिर डाल के। अच्छा लग रहा है ना तुमको? अच्छा लग रहा है ना तुमको? क्या खाना फिर क्या हो मस्त हो रहा? तुम दो बार तभी तो गए, पूरा साफ कर गए। तुमको और चाहिए? ना ना, मैंने खा ली चावल ना, झोली ना, दीजिए ना। पता है हम सो गए थे, आज सुबह नहाई भी नहीं हूँ, ये घर में है ना इसलिए, वरना ये नहीं होता तो मैं अपने सारे काम करके रखती हूँ। तो पता है गाइस इतना बुरा हुआ, आज की छुट्टी भी ऐसी गधे वाली गई है ना, पता है इनकी छुट्टी थी गधे वाली गई है छुट्टी मेरी, पता है यार आज छुट्टी थी, और फिर इनको बुला लिया आज आओ काम करने के लिए छुट्टी के दिन भी। फिर मैं अकेली रह गई, कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। और गाइस पता है थोड़ा सा ना इनकी ना बैंक में ना वो हो गया था, कुछ चर हो गया था। मुझे तो सिलाई आती नहीं, मैंने कभी सीखी नहीं, और ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, मैं हर काम टेलर से करा लेती थी। और यार गाइस मम्मी पापा लोग होते हैं ना सिलाई सिखवाने वाले, तो मेरी तो मम्मी की डेथ हो गई थी 5 साल पहले, तो मेरे को सच में इतना सा सुई में धागा डालना आता है, बस बटन लगाना नहीं आता, बस सिलाई नहीं आता। तो गाइस चलो भैया आ गए थे कपड़े सिलवाने, मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ। कोई गाली नहीं देगा, क्या है इसमें? मुझे बताया आप सब देंगे ऐसे, मुझे कौन सा आती है, मैं भी तो ऐसे लगा बस। मगर सर ये कहेंगे ना कि यार पति से काम करवा रही है, खुद बैठी है। नहीं करा रहा, मैं खुद करना चाहता हूँ सब काम, तुम भी थोड़ी करोगे बाबू, अभी मुझे ठेका दे रहेगा सारे काम करने, वो इंसान है इसमें क्या है। मुझे ना आता नहीं यार, मैंने इनसे बोला ये उठे ना, ये कह रहे बाबू मेरी ना बैंक थोड़ी सी वो हो रखी है, मतलब होता नहीं सिलाई कच्ची होती है तो वो उधर जाती है, टेलर से लगवा लेना। तो ये कह रहे कि थोड़ी सी पैंट, मैंने कहा लाओ मैं कर दूँ, ये बोल रहे नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर देती हूँ, आता है नहीं मेरे को कर देती। कह रहे नहीं बाबू नहीं मैं ही करूँगा, इन्होंने पैंट ले लिया। मैं मन मन में सोची चलो सही हो गया यार। फिर मैंने कहा यार मुझे तो आता ही नहीं था बाबू, तो मैंने कोई बात नहीं बाबू मेरे को भी आता, थोड़ा थोड़ा कर लूँगा एमरजेंसी में। पता है बचपन में ना जब एक बार ना मैं साइकिल चला रही थी, तो मेरी सलवार ना यहाँ से ना मतलब जैसे यहाँ पैर से ना जो पोंछे नहीं होते नीचे के, वहाँ से उधड़ गई थी, साइकिल में फंस गई थी, पूरी उधड़ गई घुटने तक। तो ना अब मैं बैठी, तो पता है मेरी सलवार किसने से ली, मेरा भाई ने जो गौरव पंत,
मेरी चाची का बेटा, उसने सीढ़ी पे बैठाया मुझे, पहने पहने में उसने भी सुई धागे से सलवार से उधी नीचे से जो उधड़ी थी पैर की तरफ से। मैं फिर मम्मी कहीं गई हुई थी, मैंने मम्मी को आगे बताया, मम्मी कह रही शर्म तो आई नहीं होगी तुझे, वो लड़का होके सिल दे रहा है, तू बेशरम को कुछ आता है नहीं। तो ऐसे ही है गाइस, मैं बेशरम हूँ? नहीं है? नहीं, बहुत प्यारे होते। फिर ऐसे मत बोला करो, फिर सबको शादी करने का मन करता है तो कर ले। और तुम्हारे जैसा पति नहीं मिला फिर? मेरे से अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वो। तुमसे अच्छा कोई नहीं है गाइस, कोई नहीं है ना, इतना प्यार कोई करता है अपनी बीवी को? करते होंगे यार, आपके हस्बैंड करते होंगे, मगर मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा भी करता होगा कोई। उन्हें भेजा ही क्या अभी तक? भेज दिया, अभी जा रहे हैं फिर से। हमारा काम हो गया, जितनी भी हुई होगी थोड़ी बहुत सीखी गई होगी। दिखाओ इसकी से बहुत कच्ची सिलाई यार, एक बंदा बोल भी रहा था मुझे, बोला बहुत कच्ची सिलाई। वाह 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 वाह, काम चल जाएगा ना आज। हाँ। बस बाकी क्या है।